एपिसोड शुरू होता है और कोबेनी बैनी और अपनी मॉम को बता देती है कि हाकुया और माशिरो घर पे नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। इसकी मॉम कहती है कि कहीं वो वापस घर तो नहीं चले गए। ये सुन के कोबेनी काफ़ी घबरा जाती है। बैनियो इसे कहती है, चिंता मत करो, वो बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। इसकी मॉम भी यही कहती है और बोलती है, शायद उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा। अब कोबेनी घर के काम कर रही होती है हमेशा की तरह, लेकिन करते करते इसे हाकुया की याद आ रही होती है। ये उसके रूम में जाती है और उसे टेक्स्ट करने का सोचती है और देखती है कि हाकुया का एक टेक्स्ट आ रखा है इसे, जिसमें लिखा होता है कि मैं और माशिरो वापस घर जा रहे हैं। तभी कोबेनी को मायोरा का कॉल आता है और ये पूछती है कि हाकुया के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही कल। और नेक्स्ट दिन में कोबेनी मायोरा को भी सब बता देती है जो भी हुआ, और ये भी बोलते हैं कि हाकुया ने इसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया। मायोरा इससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है। कोबेनी कहती है हाँ, और मायोरा इसे उसके घर जाने का आइडिया देती है। तो अब कोबेनी भी तैयार होती है और निकल जाती है हाकुया के घर की तरफ और ट्रेन पकड़ के जा रही होती है। जाते वक्त अपनी मॉम और बहनियों को भी टेक्स्ट कर देती है कि मैं हाकुया के घर जा रही हूँ और रात तक वापस आ जाऊँगी। और अब ये पहुँच चुकी होती है पहाड़ों के बीच और चारों तरफ बर्फ होती है। नेक्स्ट सीन में हाकुया और माशिरो को दिखाया जाता है जो कुछ वाइल्ड प्लांट्स पिक कर रहे होते हैं। इनकी मॉम ने यहाँ पे ये वाइल्ड प्लांट्स को पिक करने के लिए बुलाया होता है। और प्लांट्स पिक करते वक्त हाकुया को कोबेनी की आवाज़ सुनाई देती है। माशिरो बोलती है वो तो घर पे हो गई, लेकिन तभी हाकुया यहाँ से भागने लगता है। अब कोबेनी को दिखाया जाता है जो हाकुया और माशिरो को आवाज़ लगा रही होती है और फिर थक के एक गुफा के अंदर बैठ जाती है। तभी यह हाकुया आ जाता है और माशिरो भी। ये कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कोबेनी कहती है तुम दोनों ऐसे अचानक से चले गए तो मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आई। माशिरो कहती है हम तो बस वाइल्ड प्लांट्स कलेक्ट करने आए थे और मॉम को रिपोर्ट कार्ड दिखाने। कोबेनी बोलती है तो तुमने अपना रूम पूरा साफ क्यों कर दिया, तुम्हारी बुक्स और कपड़े भी गायब थे। माशिरो कहती है हम अपने विंटर्स क्लोथ को स्प्रिंग क्लोथ से बदलने के लिए लाए थे और अब जब हम सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो हमने सोचा कि टेक्स्ट बुक्स अपने घर पर ही छोड़ दे पुरानी, और हाकुया ने तो तुम्हें टेक्स्ट भी करा होगा इसके बारे में। कोबेनी इसे टेक्स्ट दिखाती है हाकुया का, और ये देख के माशिरो बोलती है तुम्हें ये भी लिखना था कि मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। कोबेनी अब कहती है क्या तुमने मेरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा। हाकुया बोलता है यहाँ इतने ऊपर कोई सिग्नल नहीं आते। और अब बात करते करते कोबेनी बेहोश हो जाती है, ठंड की वजह से इसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है। हाकुया यहाँ आग लगा के मदद के लिए चले जाता है और माशिरो को कोबेनी के साथ रहने को कहता है। यहाँ पे माशिरो देखती है कि आग बुझने वाली है तो ये बाहर चले जाते हैं कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए। और अब कोबेनी पास्ट के बारे में याद करती है जब इसकी मॉम और बहनियों से छोड़कर चले जाया करते थे और घर संभालने को कहते थे। कोबेनी कहती हैं सब मुझे छोड़ देते थे, मैं मॉम या सिस्टर जितनी स्मार्ट नहीं और स्पोर्ट्स में भी अच्छी नहीं, मैं बस घर के कामों में बढ़िया हूँ। और फिर बोलती है क्या हाकुया और माशिरो भी मुझे छोड़ देंगे। और अब यहाँ ये कहती हैं वो दोनों कहाँ गए, क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया फिर से। और बाहर चलने लगती है और यहाँ पे माशिरो लकड़ियाँ लेके पहुँचती है, लेकिन कोबेनी यहाँ पर होती ही नहीं। हाकुया भी यहाँ पर आ जाता है अपनी मॉम और कुछ लोगों को लेके, लेकिन माशिरो बताते हैं कि कोबेनी यहाँ पर नहीं और कहीं चले गई है। और अब ये सभी मिलके कोबेनी को ढूंढने लगते हैं। कोबेनी यहाँ बर्फ में पड़ी होती है और तभी इसकी आँख खुलती है और ये फिर से चलने लगती है, लेकिन तभी यहाँ से बर्फ टूट जाती है और ये नीचे गिर जाती है। हाकुया तभी भागते हुए आता है और इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है इस बार मैं टाइम पे आ गया। और अब यह कोबेनी को बचा के यहाँ से जा रहा होता है। अब ये पूछती है अगर तुम्हारी चोट का निशान मेरी वजह से नहीं तो तुम्हें इसे छुपाते क्यों। हाकुया बोलता है मुझे लगा कि तुम्हें इससे परेशानी होगी अगर पता चला तो। कोबेनी कहती है हाँ ऐसा ही है, मुझे बुरा लगता है इसे देख के, लेकिन तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, आफ्टर ऑल हम इंगेज जो हैं। और हाकुया कहता है सॉरी ये दोबारा नहीं होगा, मैं तुमसे अब और कुछ नहीं छुपाऊंगा। कोबेनी बोलती है क्या तुम्हारी राइट आई से तुम्हें दिखता नहीं। हाकुया कहता है ये कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं हुई है, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है ऐसे ही। और अब सामने से बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है एक, और इसमें कोबेनी की मॉम मायूरा और बैनियो होते हैं। ये मायूरा की कंपनी का हेलीकॉप्टर होता है और यहाँ बैनियो कोबेनी को आवाज़ें मार रही होती है और काफ़ी परेशान होती है उसे लेके। नेक्स्ट सीन में ये लोग वापस जा रहे होते हैं। बैनियो पूछती है क्या कुछ हुआ जब तुम दोनों अकेले थे। कोबेनी कहते कुछ नहीं हुआ। बैनियो सैड होके कहती है
कुछ भी नहीं। कोबेनी बोलते, नहीं कुछ नहीं। मायूरा आप कहती है, एक बर्फ से ढके पहाड़ में होना कितना रोमांटिक है। और यहाँ बैनियो हाकुया को देख के फिर गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में अब ये सभी एक साथ स्कूल जाते हैं फिर से, और सब सेम क्लास में होते हैं अभी भी। और कोबेनी माशिरो से पूछती है कि कहीं तुमने अपने पावर्स का यूज़ तो नहीं किया ना, जिससे हम सब सेम क्लास में हो जाए। माशिरो बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो। नेक्स्ट सीन में नीको एक पोस्टर लगा रही होती है जो कि यूएमए के बारे में होता है, और कोनोहा से कहती है, अगर तुम्हें कुछ अलग चीज़ के बारे में पता चला तो मुझे बताना। तभी यहाँ कोबेनी और माशिरो भी आ जाते हैं, और नीको इन्हें भी ये पोस्टर दिखाती है, और फिर बोलती है, इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। कोनोहा आप कहती है, वो तुम ही थी ना जिसे उसने देखा। माशिरो बोलती है, नहीं कहीं वो तुम्हें तो नहीं ढूंढ रही। कोनोहा कहती है, मैं कोई यूएमए नहीं हूँ, मैं एक अच्छे क्लैन से बिलोंग करती हूँ। माशिरो बोलती है, और मैं भी। और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो अब न्यू टर्म स्टार्ट हो चुका होता है, ये सभी इंजॉय कर रहे होते हैं, और यहाँ माशिरो के फिर से सभी नैसे निकलते हैं। माशिरो की मॉम भी आ रखी होती है और कुछ वाइल्ड प्लांट्स लाई होती है, और कोबेनी इन्हीं को बना रही होती है। अब नादेशिको, बैनियो और इसकी मॉम भी घर आ जाते हैं, और अब ये सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। नादेशिको बोलती है, हमें सुएसुकी को भी इन्वाइट करना चाहिए था। माशिरो कहते, नहीं वो और मैं दुश्मन है। बैनियो फिर से अब माशिरो को यहाँ पर छेड़ने लगती है, और कोबेनी हाकुया से पूछती है कि खाना कैसा है। हाकुया फिर से वही बोलता है कि जो भी तुम बनाती हो वो बढ़िया ही होता है, और कोबेनी फिर ब्लश करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, इसी के साथ इस एनिमे के सीज़न 1 का यहीं पर एंड होता है। इस एनिमे का सीज़न 2 नहीं है, तो अगर सीज़न 1 के सभी एपिसोड्स आपको अच्छे लगे हो और मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, देन लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर पहली बार टपके और मेरे को पहली बार सुन रहे हो, देन चैनल को सब्सक्राइब करे भी ना तो जाना मत। मिलता हूँ मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।